अदानी विल्मर और रुचि सोया, क्षमा चाहेंगे, रुचि सोया का नाम अब चेंज हो गया है, पतंजलि फूड्स के नाम से अब ये ट्रेड हो रहा है। कौन सा दोनों में बेटर है, इसकी व्याख्या इस वीडियो में की जाएगी विद रिलेटिव कॉम्पिटिटिव एनालिसिस फॉर द कंपनी। देखिए, तेल की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर बढ़ी हैं जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, और इसके चलते हुए डिमांड भी बढ़ी है और उनके प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सिंपल एग्जाम्पल है कि हमें एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज को कम करना है, इंक्लूडिंग ऑयल। अब ऑयल के ऊपर खाने का तेल ही नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होती है। इसलिए जब जब ये समस्या आती है, कोई भी लड़ाई होती है, तो हमारे यहाँ पर प्राइसेस बढ़ते हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसके चलते हुए हमारी इम्पोर्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल प्राइस। अब जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, हमें यहाँ पर अपनी स्टॉक मार्केट में भी और साथ साथ में इंटरनेशनल मार्केट पर भी प्राइस थोड़ा गिरने लगा है, 20% तक प्राइस कम हो गया है, जिसकी वजह से कंपनीज को आगे प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहेगी। अगर हम पी वैल्यूएशन की दृष्टि से देखें तो अदानी विल्मर का पीई करीब 30 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहां पर, और यही कंपैरिजन अगर आप रुचि सोया या पतंजलि फूड्स का करें तो 20 के अप्रॉक्सीमेट रेंज में है। तो यहां पर अदानी विल्मर थोड़ा सा महंगा स्टॉक है कंपैरेटिवली स्पीक करें पतंजलि फूड्स के कंपैरिजन में। पतंजलि फूड की अगर हम लेटेस्ट खबर की बात करें तो देखिए, यहां पर इन्होंने 24 तारीख से कंपनी का ऑफिशियल नेम चेंज कर दिया है एज पतंजलि फूड्स फ्रॉम रुचि सोया, और ये आपको पता होगा 4300 करोड़ में इन्होंने कंपनी खरीदी थी, और ये सारा पैसा इन्होंने ऑलरेडी अपने कुछ हिस्से का शेयर बेचकर इसको वसूल लिया है। यहाँ पर इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है, उन्होंने कहा है फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पर्सन चेंज नेम वॉज इशूड बाय रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी महाराष्ट्र मुंबई। तो ये ऑलरेडी ऑफिशियली सारा काम कंप्लीट हो चुका है। रुचि सोया इंडस्ट्रीज ने अपना CFO को भी चेंज किया है। देखिए, यहाँ पर जो रेजिग्नेशन दिया था संजय कुमार जी ने, जो उनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे, वो 30 जून को इफेक्टिव रहेगा, और कुमार राजेश जी जो कि हेड ऑफ स्ट्रेटजी फाइनेंस एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ओनर को यहाँ पर अब इनका CFO बनाया गया है, जो 1 जुलाई से अपना कारोबार देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 महीना हो चुका है इनको कारोबार करते हुए, 3 हफ्ते टू बी प्रिसाइज। पतंजलि फूड्स की अगर हम बात करें तो पतंजलि फूड, व्हेन विल द कंज्यूमर स्टार्ट सीइंग द बेनिफिट, जो 20% प्राइस इंक्रीज हुआ है इसका। अब देखिए, कंज्यूमर बेनिफिट नियरली फॉर सेवन वीक्स नाउ ऑलरेडी, पहले भी 20 रुपये का भाव कम हुआ था और अब 30 रुपये के आसपास बात कर रहे हैं यहाँ पर कम करने के लिए पतंजलि फूड भी, क्योंकि अदानी विल्मर ने आज ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है यहाँ पर। तो इसके चलते हुए कंज्यूमर के लिए थोड़ी राहत मिलेगी यहाँ पर, 50 रुपये के आसपास ये खाने के तेल में गिरावट आ जाएगी। क्या होंगे लेवल्स बाय करने के लिए दोनों स्टॉक में, अदानी विल्मर और पतंजलि फूड्स में, रुचि सोया के नाम से जो जाना जाता है, विच वन इज बेटर इन्वेस्टमेंट, आइए जरा चलकर दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अदानी एंटरप्राइज फंड्स की कभी शॉर्टेज नहीं रही है अदानी ग्रुप को, और इन्होंने देखिए, अदानी विल्मर का जब लिस्टिंग हुआ था तो तब इसका भाव नीचे की तरफ को गिरा था, बट उसके बाद में 160% का रिटर्न दिखलाया है यहाँ पर। 30 रुपये के आसपास प्राइस आज की 1 घंटा पहले की खबर है, इन्होंने रिड्यूस कर दिए हैं अपने, 20 रुपये ऑलरेडी रिड्यूस किए हुए थे, तो ये कंज्यूमर को 50 रुपये का डायरेक्टली बेनिफिट मिल रहा है। और यूजुअली मानसून सीजन थोड़ा कंफर्टेबल सीजन रहता है, अगर ज़्यादा मानसून हो तो अच्छी फसल मानी जाएगी, अच्छा कंजम्पशन मान जाएगा, बट यहाँ पर वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज एडिबल ऑयल कंजम्पशन इज ऑलवेज मोर इन द सेकेंड हाफ। भाई देखिए, त्यौहार आएंगे, शादी आएंगी, तो ये खाने का तेल ज़्यादा तेजी से चलेगा, और ये टेक्निकल पीरियड बिटवीन जुलाई एंड सेप्टेम्बर, ये डिपेंडिंग ऑन कैसी कंडीशन है इंडिया में, चाइना में और US में, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग एज पर अदानी विल्मर CEO अंगसू मलिक जी के द्वारा। अब ये इंटरेस्टिंग चार्ट कंपैरिजन है, अगर आप रुचि सोया को देखें तो रुचि सोया की भाव 16 रुपए के आसपास यहां पर लिस्टिंग की गई थी, अदानी विल्मर का लिस्टिंग जो हुआ था 221 रुपए के आसपास हुआ था, और अब इसका भाव करीब 1000 रुपए के आसपास चल रहा है रुचि सोया का, वहीं पर अदानी विल्मर का भाव करीब 580 के आसपास चल रहा है। इंटरेस्टिंगली इसका जो हाई बना है वो 1200 रुपए का है, जिसने करीब 15% की गिरावट दिखाई है यहां पर, वहीं अगर आप रुचि अदानी विल्मर का देखें तो 887
878 के आसपास हाई बना है, जिसमें करीब 33% का गिरावट दिखा दिया है। अब सेम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेम कंडीशन पर अदानी विल्मर क्यों ज़्यादा गिरा है? दो रीज़न से। सबसे पहला, इसका डेप्ट रिलेटिवली ज़्यादा है, तो जब डेप्ट ज़्यादा हो जाएगा कंपनी को थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, और जब कंपनीज इस तरह की कंपनीज को बेचेंगी तो डेप्ट हाई कंपनीज को ज़्यादा बेचा जाता है। रुची सोया का डेप्ट ऑलमोस्ट निल हो गया है। और दूसरी बात, यहाँ पर पी रेशो पर भी ये स्टॉक काफ़ी हाई है, इसका पी रेशो ज़्यादा है, तो जब भी इस तरह की गिरावट आती है इसमें जो स्टॉक हैं हायर पी वाले वो ज़्यादा गिरते हैं, तो आपको ये बात समझनी है। अगर हम बात करें रवि सिंगल जो कि वाइस चेयरमैन है GCL सिक्योरिटीज़ के, उन्होंने कहा है कि दोनों FMCG सेगमेंट में है, उनके अकॉर्डिंगली CAGR प्रॉफिट देखें ओवर ईयर्स जो, तो CA यहाँ पर अदानी विल्मर का 29 है, रुचि सोया का 21 है, तो उस बेसिस पर अदानी विल्मर थोड़ा सा बेटर है। पर रुचि सोया इज टेलिंग 6 times द बुक वैल्यू, वेयर अदानी विल्मर इज टेलिंग 10 times द बुक वैल्यू, तो ये एक थोड़ा ज़्यादा ओवर वैल्यू है। अदानी विल्मर इज हैज़ मोर डेप्ट बट मार्केट शेयर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर उनके अकॉर्डिंगली ये उन्होंने आगे आने वाले समय में इसका टारगेट 900 रुपये का बनाया है, बशर्ते ये प्राइस यहाँ से नीचे ना गिरे। अगर प्राइस गिरने लगा तो हो सकता है करेक्टिव मोड आ जाए, उन्होंने कंडीशन लगाई है। अगर हम अपना सिंपल कंक्लूजन करें दोस्तों, तो देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग रन में कौन स्टॉक ज़्यादा दे सकता है आपको, इररेस्पेक्टिव के मार्केट नीचे जाए कि ऊपर जाए। तो देखिए मार्केट अभी नीचे जा रहा है, कुछ दिनों बाद फिर ऊपर भी आना शुरू करेगा, बट हमारे कंक्लूजन की दृष्टि से पी रेशो के बेसिस पर और आगे फ्यूचर आउटलुक के बेसिस पर हमारे हिसाब से रुचि सोया स्लैश आपका पतंजलि फूड एक बेटर ऑप्शन है इन दोनों कंपैरिजन में। साथ साथ में अगर किसी वजह से मार्केट गिरने लगता है तो जो डेप्ट है अदानी ग्रुप का वो शायद इसको थोड़ा महंगा पड़ेगा अभी, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इनका स्टॉक ऊपर बढ़ चुका है। तो यहाँ पर अगर हम पतंजलि फूड का भाव देखें तो भाव 1065 के आसपास बंद हुआ है। 50 डे मूविंग एवरेज को देखें तो 50 डे मूविंग एवरेज ने यहाँ पर क्रॉसओवर किया है, गोल्डन पॉजिटिव क्रॉसओवर बनाया है, इसका मतलब जब तक ये 950 का लेवल मेंटेन करके रखा है मोमेंटम इसमें पॉजिटिव रहेगा इन दोनों पैरामीटर के बेसिस पर। और यहाँ पर अभी पिछले दिनों से वॉल्यूम ज़्यादा नहीं हो रहा है, ये IPO के टाइम पर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम था, 15 मिलियन तक शेयर हैंड एक्सचेंज होते थे, बट अगर हम आज की बात करें तो महज यहाँ पर करीब करीब 2 लाख के आसपास शेयर हैंड एक्सचेंज में, तो थोड़ा कम वॉल्यूम है यहाँ पर। बुलिंजर बैंड का बैंडविड्थ कम होता जा रहा है, 9 के आसपास आ गया, जो कि एक अच्छा बात है, कंसोलिडेशन किया हुआ है, बहुत जल्दी ब्रेकआउट दिखाने वाला है, इस बात को समझिएगा। जितना मार्केट गिरा है ये स्टॉक उतना ही सॉलिड रहा है यहाँ पर, और सुपर ट्रेंड के बेसिस पर 1100 रुपये का इसका स्टॉप लॉस है, जो आपको ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस को अगर किसी ने शॉर्ट किया हुआ है तो आप ऊपर इसको रेजिस्टेंस की तरह से देख सकते हैं, और यहाँ पर RSI का लेवल 52 है जो कि इसको एक न्यूट्रल जोन में बनाता है। और अगर MACD को देखें तो MACD के बेसिस पर इसने अभी के लिए फिलहाल एक छोटा सा सेल सिग्नल ट्रिगर किया है, तो थोड़ा सावधान रहिएगा, बहुत नैरो कंसोलिडेशन है। और यही चीज़ अगर हम अदानी विल्मर के बारे में बात करें तो अदानी विल्मर AWL जो शेयर तरह से ट्रेड होता है उसका आज का भाव 623 रुपये का है यहाँ पर, और अगर 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे मूविंग एवरेज को देखें तो अभी क्योंकि यहाँ पर 200 डेज हुए ही नहीं है इसको, और 50 डे मूविंग एवरेज 623 के आसपास है, अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो 100 डे मूविंग एवरेज करीब इसका हमारे हिसाब से 500 के पास रहेगा, तो ये अभी भी अपने मार्केट के बेसिस पर ऊपर चल रहा है 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहा है इसका। देखिए लिस्टिंग के बाद से 223 का जो भाव है वो 880 तक चला गया है, और काफ़ी अच्छा उसके बाद कंसोलिडेशन किया है इस स्टॉक ने, वॉल्यूम पर अब नलीफाई हो रहे हैं, यहाँ पर इतने ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड नहीं हो पा रहे हैं स्टॉक के। साथ साथ में अगर बुलिंजर बैंड को देखें तो बैंडविड्थ सिर्फ 16 की रह गई है, और बैंड के बाहर निकल के ये कंसोलिडेट कर रहा है, हो सकता है 595 तक लेवल जाए और फिर ये ऊपर जाने की शुरुआत करेगा। यही चीज़ अगर हम सुपर ट्रेंड के बेसिस पर देखें तो अभी सुपर ट्रेंड का जो रेजिस्टेंस है 650 का है, RSI का लेवल 53 जो कि न्यूट्रल जोन है अभी यहाँ पर। और अगर MACD को देखें तो MACD के बेसिस पर अदानी विल्मर ने यहाँ पर बाय सिग्नल मेंटेन करके रखा हुआ है, बाय का हालांकि मोमेंटम अभी थोड़ा सा कम होता जा रहा है। तो इन सारे के बेसिस पर हमारा कंक्लूजन, आप जब भी खरीदेंगे 3 लेवल पर खरीदिएगा कोई भी स्टॉक, ताकि आपको एक ट्रायंगल पैटर्न इंप्लीमेंट करने का मौका मिले। अगर आप रुचि सोया देख रहे हैं तो 1000 से लेकर आप 800 रुपये के बीच में
अपना ट्रायंगल पैटर्न इंप्लीमेंट कर सकते हैं रुचि सोया के लिए। ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए 3 साल का अगर आप होल्ड रखें तो बहुत अच्छा स्टॉक रहेगा। अगर आपको हमारी ट्रेड्स को कॉपी करना है तो हमारे साथ YouTube के पेड मेंबर बन सकते हैं 299 का एडवांस पैकेज लेकर। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। ट्रेनिंग करनी है तो मेल ड्रॉप करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बाय।